लेट्स क्रैक बी आर्क 2021। हेलो दोस्तों जी, बी आर्क सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन है कंपोजिशन का, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। तो ये एक रेक्टेंगल के अंदर कुछ रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल कंपोज किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने कंपोज कर लिए और ये सारा ड्राइंग मैंने हाथ से निकाला है, कोई भी स्केल या ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं किया है। ये इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है या नहीं करना। तो दोस्तों अगर वहाँ पर ऐसा लिखा है कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो तो करो, अगर नहीं लिखा है तो फिर हाथ से ही करना है। तो ये आपको अभी समझ में आया होगा, जिन्होंने सवाल पूछा है वो ज़रूर ये वीडियो देखेंगे और उनका वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर उनको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई दिया नहीं है कि कितने कलर यूज़ करने हैं, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट लेमन येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ट्रायंगल और रेक्टेंगल लिए और जो बाकी जगह जो बची है उसमें मैंने लेमन येलो कलर यहाँ पर भर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो कंपोजिशन है उसके मैंने दो पार्ट किए, तो ये दो पार्ट अभी ये कलर होने के बाद आपको समझ में आएगी। लेफ्ट साइड का जो मैंने लिया है वो सब एक दूसरे को ये ग्रुप है और राइट साइड का है वो थोड़ा छोटा ग्रुप मैंने बनाया है। तो ये कलर करते समय उसमें मैं कलर बैलेंसिंग ये लेने वाला हूँ, तो उसके वजह से ये कंपोज काफ़ी अच्छा दिखेगा। और भी एक सवाल हमेशा आता है कि कौन से कलर अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों आप प्राइमरी कलर यूज़ कर सकते हो, सेकेंडरी कलर यूज़ कर सकते हो या तो कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ कर सकते हो। अभी प्राइमरी कलर में भी कॉन्ट्रास्ट कलर है, सेकेंडरी में भी है, या तो मोनोक्रोमेटिक भी कर सकते हो। तो जो आपको कलर स्कीम अच्छी लगे वो कलर स्कीम आप ले सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रास्ट कलर स्कीम अच्छी लगती है। अपोजिट कलर अगर आपने लिए तो वो बैलेंस करने के लिए भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर येलो, रेड, ब्लू ऐसे कलर में यूज़ करने वाला हूँ। उसके साथ मैं ऑरेंज भी कलर लेने वाला हूँ और ब्लू के और एक शेड जैसे कि स्काई ब्लू। तो यहाँ पर लगभग जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया। या तो पूरा कंपोजिशन एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो पार्ट किए, आप कनेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अभी ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ, जो एक रेक्टेंगल है उसमें ऑरेंज कलर यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ। तो ये ऑरेंज कलर यहाँ पर लगभग मैंने वन साइड का कंप्लीट कर लिया, आप देखेंगे। तो वही ऑरेंज कलर अब मैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें फिल कर रहा हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज कलर का मैं ये बैलेंस कर रहा हूँ। कलर जो भी पार्ट में आप फिल करेंगे वो कंप्लीटली प्लेन होना चाहिए, आना चाहिए। इसके ऊपर आप अगर थोड़ा कंसंट्रेशन करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पर मैंने चार पार्ट में ऑरेंज कलर फिल किया है, उसका रिपीटेशन, हर ऑरेंज कलर का रिपीटेशन मैंने यहाँ किया है। अभी मैं डार्क ब्लू कलर यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर फिल किया। अभी बीच का जो पार्ट है वहाँ पर मैं लाइट ब्लू कलर लेने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं वही ब्लू कलर मैं रिपीटेशन कर रहा हूँ अलग अलग जगहों पर, ताकि उसका बैलेंस कलर बैलेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है रिपीटेशन। तो यहाँ पर मैं जो ब्लू कलर है वो डार्क ब्लू कलर है, उसके बाद में मैं स्काई ब्लू कलर यूज़ करने वाला हूँ और रेड कलर यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसके अंदर डार्क ब्लू कलर, मैंने शेड शैडो की वीडियो में बताया था कि ये मेरा लास्ट वीडियो का मीन्स शेड शैडो का जो वीडियो था वो वहाँ पर लास्ट था। बाद में मैंने उसमें ये भी बताया कि अगले जो वीडियोज है वो 2D डिज़ाइन पोर्ट्रेट इनके मैं लेने वाला हूँ। तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया कि लास्ट का मतलब ये लास्ट वीडियो है क्या। तो दोस्तों अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप स्किप करते अगर चलेंगे तो ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो राइट साइड में जो मैंने कंपोज किया है उसमें भी मैंने ब्लू कलर का रिपीटेशन लिया। अभी स्काई ब्लू कलर मैं ले रहा हूँ। ये ऊपर का जो रेक्टेंगल, दो तीन रेक्टेंगल लिए उसके अंदर भी स्काई ब्लू कलर मैंने यूज़ किया।
यहाँ पर ऊपर एक ट्रायंगल है, उसमें भी ब्लू कलर में यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिएगा आप कि स्काई ब्लू कलर कहाँ कहाँ मैं ले रहा हूँ, ऑरेंज कलर कहाँ लिया है, डार्क ब्लू कलर कहाँ लिया है। तो ये हमारे जो नज़र है ये रोटेट होनी चाहिए पूरे कंपोजिशन पर, तो इसलिए यहाँ पर हमें अलग अलग जगहों पर कलर लेने हैं, तो इस तरह लेने हैं। तो उसकी वजह से समझ आए कि कंपोज कैसा हमने बनाया है। तो आप देखेंगे ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर या ऑरेंज कलर जो भी है, उसके वजह से हमारी नज़र ये रोटेट होती है। जितना भी पूरा कंपोजिशन मैंने किया है उसके ऊपर हर जगह पे हमारी नज़र जाती है। अभी यहाँ पर मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं रेड कलर यहाँ पर मैंने लिया है। ये जो बीच का जो पार्ट है इसके अंदर भी रेड कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये साइड में मुझे ऐसा लगा कि ब्लू कलर थोड़ा कम हो गया, इसलिए मैंने जो ट्रायंगल था छोटा बीच में, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में जो बचे हुए पार्ट था उसमें मैंने डार्क ब्लू कलर यूज़ किया। ऊपर जो ट्रायंगल है उसमें मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही पार्ट बचा हुआ है उसमें मैं रेड कलर यूज़ करने वाला हूँ। तो ये लगभग हमारा कंपोजिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आपके जो भी क्वेश्चन हैं तो वो क्वेश्चन आप अगर डालेंगे तो अच्छा रहेगा। पेंसिल कौन सी यूज़ करना है, ऐसे सारे क्वेश्चन मत डालें, जो बनाने के क्वेश्चन हैं वो अगर डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में लिखना है। थैंक यू वेरी मच।